जब भी हम किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जो गरीब से अमीर बना, तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि इसने कैसे किया। बिकॉज हार्डवर्क करके अमीर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 300 रुपए में मजदूरी करने वाला आदमी भी हार्डवर्क करता है, लेकिन वो अमीर नहीं है। तो जो इंसान गरीब से अमीर बना है, उसने हार्डवर्क के साथ कुछ तो अलग किया है। तो जो उसने अलग किया है, उसी के बारे में आज इस समरी में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के कुछ इंपोर्टेंट लेसन के बारे में बात करेंगे। एक इंसान को अमीर बनने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, वो है उसकी थिंकिंग। लेकिन हम ये तो सोचते हैं कि अमीर आदमी क्या करता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि अमीर आदमी कैसे करता है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है। बिकॉज अभी तक हमारा ध्यान वहाँ गया ही नहीं, तो आइए थोड़ा ध्यान वहाँ भी पहुँचाते हैं। फर्स्ट, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। जब हम ये बिलीव करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो कैसे होगा, इसका जवाब हमें खुद मिल जाता है। ये कैसे होगा, इस बात का जवाब केवल उस इंसान को मिलता है जिसको बिलीव होता है कि वो कर सकता है। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अगर हमें बिलीव है कि हम कर सकते हैं, तो हम जरूर करेंगे। अगर हम मानते हैं कि हम अमीर बन सकते हैं, हम मानते हैं कि हम बेस्ट फुटबॉलर बन सकते हैं, हम मानते हैं कि हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो हम एक दिन जरूर बनेंगे। किसी भी चीज़ को पाने के लिए बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड उस चीज़ को ना पाने के पीछे के रीज़न को अट्रैक्ट करता है, जिससे आपकी सक्सेस डाउटफुल हो जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं करना चाहते, तो डाउट होना कॉमन है। आपकी सक्सेस ना हो पाने का मेन रीज़न आपका डिसबिलीफ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे ऐसे समझो जैसे कि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, मतलब 100 सब्सक्राइबर भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे चैनल के 1 के सब्सक्राइबर बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे, एंड फिर 10 के, एंड सो ऑन। तो हो सकता है ऐसा हो जाए, बिकॉज मैंने अभी तक जितनी चीज़ें सोची है वो लगभग पूरी हुई है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं ये सोचूं कि मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आते, 10-10 घंटे बुक्स पढ़ता हूं, फिर समरी बनाता हूं, एंड फिर रिकॉर्ड करता हूं, देन एनिमेट करता हूं, लेकिन 10-12 व्यूज़ ही आते हैं, कोई मतलब नहीं है यूट्यूब पर मेहनत करने से, तो जल्दी मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा और चैनल बंद कर दूंगा। वो अलग बात है कि बुक्स फिर भी पढ़ूंगा, बिकॉज वो मेरी हॉबी है। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थिंक बिग। सेकंड पॉइंट, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आपने फीवर का नाम सुना होगा, मलेरिया का नाम सुना होगा, डायरिया का नाम सुना होगा, और भी कई तरह की बीमारियों का नाम सुना होगा, लेकिन कभी एक्सक्यूसाइटिस डिसीज का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, बिकॉज ये इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी में आप एक्सक्यूजेस देने में एक्सपर्ट बन जाते हो, रिजल्ट आप सक्सेसफुल बनने की रेस में सबसे पीछे चले जाते हो। एक मीडियोकर आदमी के पास किसी काम को ना करने के 1000 रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ करने की सोचते हो एंड फिर आपके दिमाग में उसे ना करने के एक्सक्यूजेस आते हैं। आज मैं थक गया हूँ इसलिए इस काम को कल करूंगा, मैं यूट्यूब पर आने के लिए बहुत छोटा हूँ, मैं ये करने के लिए बहुत बड़ा हूँ, ये बहुत मुश्किल है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मुझसे ज़्यादा अच्छी स्किल वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाए, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं लक्की नहीं हूँ, मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप में भी इनमें से कोई गुण है, तो इमीडिएटली उसे दूर कर दीजिए, बिकॉज आपको सक्सेसफुल बनने से रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक आदमी जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, वो उतने ही कम एक्सक्यूजेस देता है, एंड जो आदमी हमेशा फेल होता है, उसके पास एक्सक्यूजेस की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, और वो हमेशा इसी चीज़ में अटक जाता है कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक अमीर और एक गरीब आदमी की थिंकिंग के बीच में। एक गरीब आदमी देखता है कि वो तो उसके गुड लक की वजह से आगे है, लेकिन एक अमीर आदमी उसके पीछे की प्लानिंग, डेडिकेशन, लर्निंग एंड हार्डवर्क को देखता है। अगर एक गरीब आदमी किसी चीज़ में फेल हो जाता है, तो वो सोचता है कि ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं बैड लक्की हूँ, हमेशा मैं ही फेल होता हूँ। लेकिन अगर एक अमीर आदमी फेल होता है, तो वो अपनी गलतियों से सीखता है, वो वापस बाउंस बैक करता है, पिछली गलतियों को मिटाकर एक नई शुरुआत करता है एंड जीतता है। हर रिएक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आपने सब सही किया तो आप जीतोगे, एंड गलत किया तो हारोगे। इसमें भगवान या किस्मत कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों का पीछा करो, एंड गरीब बनना है तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। एंड लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिलीव ऑन योर ओन हार्डवर्क। थर्ड पॉइंट, डोंट सेल यूर सेल्फ शॉर्ट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को सक्सेसफुल बनने से रोकती है। बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो खुद को जितना हो सके उतना छोटा समझते हैं, एंड उनकी लाइफ से सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस होती है। आपने स्कूल, कॉलेज एंड जॉब में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो आपसे हायर पोजीशन पे थे। तो ऐसा क्या खास है उनमें जो आप में नहीं है, कभी सोचा है? नहीं, बिकॉज हमारी थिंकिंग डेस्टिनी और गॉड से कभी आगे गई ही नहीं। जो स्कूल या जॉब में आपसे आगे होते हैं, उनके आगे होने का रीज़न होता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस।
हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, वो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वो हारने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, एक दिन जीत जरूर होगी। फोर्थ पॉइंट, मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप अगले 5 से 10 सालों में क्या बनोगे, इसमें आपके एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बात की है। अगर आपके आसपास सब सक्सेसफुल लोग हैं तो आप सक्सेसफुल बनोगे एंड अगर आप फेल हो रहे हो तो एक बार चेक कर लो कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर रहे हैं या फेल होने में। आप कौन सी कार खरीदोगे, आप किससे शादी करोगे, आपके कितने बच्चे होंगे, आप ट्रेवल पर कहाँ जाओगे, आप कितने पैसे कमाओगे, आप कौन सी बुक पढ़ोगे, ये सब आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अब सवाल आता है कि एनवायरनमेंट क्या है, कैसे बनता है। आपका एनवायरनमेंट हर उस चीज़ से बनता है जो आप अभी कर रहे हो या कल कर रहे थे। आप डेली जो भी वीडियोस देखते हो या जो भी बुक्स पढ़ते हो, जिन भी लोगों के साथ रहते हो, ये सब मिलकर आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा सोशल मीडिया ब्राउजिंग करते हो, 1 घंटा फनी वीडियोस देखते हो, 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, 1 घंटा अपनी जेब से बातें करते हो, तो आपका एनवायरनमेंट किस लेवल का बन जाएगा अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आप सक्सेसफुल तो बहुत दूर की बात है, एक अच्छे एम्प्लॉय भी नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप 1 घंटा बुक पढ़ोगे, 1 घंटा ऑडियो बुक सुनोगे, 1 घंटा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे या उनका इंटरव्यू सुनोगे, तो धीरे धीरे आपकी सारी नेगेटिव क्वालिटीज पॉजिटिव क्वालिटीज में बदल जाएगी एंड आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ जाओगे। आपको पैसे कमाने के कई आइडियाज मिल जाएंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करना भूल जाओगे, आपका विजन क्लियर रहेगा। आपकी सक्सेस पर आपके एनवायरनमेंट का बहुत गहरा असर पड़ता है। जिम रोन ने कहा है, यू विल बिकम द कंबाइंड एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग अराउंड द मोस्ट। इट मीन्स आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ आपने अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताया है। उन लोगों की तरह ही आपका एटीट्यूड, इनकम और हेल्थ होगी। तो आप आज ये प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना एनवायरनमेंट अमीरों जैसा करेंगे, ना कि गरीबों जैसा। एंड इसके बारे में और समझना है तो कमेंट कर दीजिए या इंस्टा पर DM कर दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। फिफ्थ पॉइंट, बी एन एक्टिवेशनिस्ट, बी समवन हु डज थिंग्स। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक्टिवेशनिस्ट, पैसिवेशनिस्ट। एक्टिवेशनिस्ट, ये लोग एक्टिव रहते हैं, ये एक्शन करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, इसीलिए इस टाइप के ज्यादातर लोग सक्सेसफुल होते हैं। पैसिवेशनिस्ट, ये लोग मीडियोकर होते हैं, ये एक्शन नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं, और हाँ, ये चीज़ों को टालने में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए अनसक्सेसफुल होते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग बचपन से ही पैसिवेशनिस्ट होते हैं, वो अलग बात है कि मानते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी इस काम को करने का सही टाइम नहीं है, या ये जगह सही नहीं है, या फिर थोड़ी देर बात कर लेंगे। रिलेटेबल? वैसे अगर हम इनमें से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं या हम पर कोई यूज़ कर रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें, ये जो इंसान हमसे कह रहा है, वो उस काम को करना नहीं चाहता। वैसे कई बार हम पॉजिटिव बनने के लिए भी पैसिवेशनिस्ट बन सकते हैं। इसे ऐसे समझो, थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं बुक पढ़ने में खोया हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स के करीब हो गए थे एंड मैं बहुत फील लेकर पढ़ रहा था, समझ कर पढ़ रहा था। एंड सडनली मेरा कज़िन मेरे पास आता है एंड आकर मुझे क्रिकेट खेलने के लिए इन्वाइट करता है, और उसकी बात सुनकर मेरा पूरा फोकस खत्म हो जाता है। मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर कभी मैं उसके साथ जाता भी हूँ तो सिर्फ उन्हें देखता हूँ, खेलता नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझे बुलाने आता है। एंड जब मैं बुक पढ़ रहा था उस टाइम मेरा उसके साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट उसने कहा जब तक तू नहीं चलेगा मैं भी नहीं जाऊँगा, एंड फिर मुझे मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ा। ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज उसके साथ जाना मेरे लिए किसी काम से कम नहीं था, और ये वो काम था जिसे मैं टालना चाहता था बिकॉज इससे मेरा टाइम बर्बाद हो रहा था। बट नॉर्मली इस कैटेगरी वाले लोग जरूरी काम के लिए भी मना कर देते हैं, जैसे अगर मेरा बुक समरी चैनल है तो मुझे बुक पढ़ना, एनिमेशन एंड रिकॉर्डिंग, ये सब करना बहुत जरूरी है। अगर मैं इनमें से एक भी काम करने में प्रोक्रास्टिनेशन करूंगा तो फ्राइडे के दिन समरी अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन पैसिवेशनिस्ट लोग बिना सोचे समझे इंपॉर्टेंट काम को भी टाल देते हैं। मेरी ही तरह सभी की लाइफ में ऐसे एक्शंस होते हैं जो लेना बहुत जरूरी होता है अगर उन्हें सक्सेसफुल बनना है तो, अदरवाइज अनसक्सेसफुल बनने के लिए कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे एग्जांपल से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि किन कामों को मना करने से आप पैसिवेशनिस्ट नहीं बनोगे और कौन से एक्शंस आपके लिए जरूरी है। सो ओवरऑल आपसे बस इतना ही कहना है, बी अ डूअर नॉट अ डोंटर। वीडियो एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट नोटिस, इस बुक की समरी बनाने के लिए मेरे को नीरज शर्मा ने DM किया था। अगर आपको भी कोई बुक पसंद है जिसकी समरी YouTube पर अवेलेबल नहीं है, या आप उस समरी को मेरी आवाज़ और एग्जांपल के साथ देखना चाहते हो, तो कमेंट कर दो या इंस्टा पर DM कर दो, मैं जल्दी उसकी समरी बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे जाते जाते अगर टाइम मैनेज करना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और पैसे कमाने के बारे में सीखना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाद में मत कहना बताया नहीं। धन्यवाद।